ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द डिग्री मेजर, यानी एंगल हमें डिग्री में बताना है, ऑफ एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। यानी एक 100 सेंटीमीटर सर्कल वाले एक सर्किल के सेंटर पर ये आर्क, जिसकी लेंथ बताई है 22 सेंटीमीटर ये आर्क है, तो ये आर्क ए बी मान लें, सेंटर पे कितना एंगल सबस्टेंड करेगी, इसको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करके बताना है। रेडियस इसका सॉल्यूशन में, रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर सर्कल की, और जो आर्क है उसकी लेंथ ए बी की लेंथ है, जिसे एल से डिनोट करते हैं, 22 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा थीटा, उसके लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर। अब वैल्यू पुट करते टाइम हमको ये ध्यान रखना होगा कि एल और आर दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में तो L और R दोनों एक ही यूनिट में है, अगर नहीं होते तो हम लोगों को पहले से कन्वर्ट करना होता, तो इसलिए हम वैल्यू रख सकते हैं। L की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और सॉरी L की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर और R की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। अब आंसर हमें रेडियन में नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए डिग्री मीटर में। तो अभी जो 22/100 रेडियन में आया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू भी का यूज कर सकते हैं हम, 22/7, तो पाई की वैल्यू रख दें 180/ पाई की वैल्यू 22/7, 7 double/7 में है तो 7 को ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, और 22 ऊपर नीचे है कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल कर दें, और 2 से 18 और 10 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो 9 और ये 5 बचेगा, और 7 को ऊपर जाके इंटू हुआ तो ये हो जाएंगे 63/5। अब 63 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, ये आंसर आया हमारा डिग्री में। अभी डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 बचेगा 1, और 5 × 2 = 10 बचेगा 3, 3 degree बच गया और 12 पूरा पूरा है। अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, वन पॉइंट में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई है 12 degree तो कंप्लीट। अब जो 3 degree है ने पहले तो 60 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिए मिनट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 degree में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट आ गई है। अब मैं इस 180 को भी इसी 5 से डिवाइड करना होगा, 180 मिनट को डिवाइड करना है 5 से, 5 × 3 = 15 बचेगा 3, 0, 5 × 6 = 30, तो ये मिनट में था, तो आंसर भी ये मिनट में आएगा 36 मिनट। तो इस तरीके से और वीडियो हमारे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।